क्लासमेट्स, हाउ आर यू। हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ लिया है चैप्टर 4 में, बट बिफोर दैट कुछ कमेंट आए हैं। एक्चुअली जिस नाम से कमेंट आ रहा है, दैट इज समथिंग मास्टर भाई लिखा हुआ है, तो मुझे पता नहीं है कौन सा स्टूडेंट है, मैंने कमेंट देखा नहीं, आज मैंने कमेंट देखा है। तो अगर आप एडिट कर सको तो अपना नाम लिखो, जो आप स्टूडेंट जो भी हो आप, ठीक है, अब अपना नाम लिखो, या अपने पेरेंट्स का भी नाम लिख सकते हो, बट आई डोंट थिंक मास्टर भाई कोई नाम होगा, तो अगर है तो ठीक है, डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट मैं जानना चाहता हूँ कि उस जो स्टूडेंट आप कमेंट कर रहे हो, तो आप कॉपीज भी चेक करा रहे हो या नहीं करा रहे हो, कुछ बच्चों की कॉपीज आ रही हैं, बट किसकी कॉपी आ रही है किसकी नहीं, कुछ बच्चों ने कॉपी सबमिट की है, तो ये तो पता चले कि कौन सा बच्चा सबमिट कर रहा है, या सिर्फ कमेंट करके आप क्वेश्चन से पूछ रहे हो, ठीक है। मैं थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 में सिक्स क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, इन दैट कमेंट मैंने कमेंट करके बताया है, बट मैं इसमें भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कैसे होगा। उसमें सिक्स क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, देखो सिक्स क्वेश्चन है, क्यूब रूट ऑफ 184 अपॉन 343। अब जब क्यूब रूट का टेबल देखोगे तो उसमें 184 का नहीं मिलेगा, बट 184 को हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, तो 2 9 18 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 2 4 8 2 6 12 2 23 23 1। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 184 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 343। नाउ क्यूब रूट ऑफ 184 मींस फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 into 2 into 2 into 23। या तो हमने 8 लिखो, या तो फिर डायरेक्टली 2 को कैरी आउट कर लो क्यूब रूट से बाहर, और ये 343 का हो जाएगा 7 into 7 into 7। तो जो 3 के ग्रुप में है वो बाहर आ गया, और क्यूब रूट जो है वो क्या है, 23 का है अपॉन 7। अच्छा, अब 23 का टेबल में देखेंगे कि 23 इंटू एक्स क्या दिया हुआ है, 23 के फर्स्ट प्लेस पे That is 2.844, ये हो जाएगा 2 into 2.844 upon 7, ठीक है। इसको सॉल्व करके मिल गए 0.8125, और यही आपका आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसमें बताया था बट आई थॉट की शायद समझ में ना आए मेरे बताने से, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में भी इसको एक्सप्लेन कर दिया है, ओके, एक्सप्लेन किया है। और इसी तरह से होगा क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज 4.2 पर, जो आज हमें स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज 4.2 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ लिया था ना, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 4.2। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फर्स्ट वन इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो करना है, ठीक है, उसको सॉल्व नहीं करना है। सो दैट इज -5/4 to the power 4 into -5/4 to the power 4। अब यहां पर देखो, यहां पर बेस जो है हमारा, द बेस इज -5/4, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन है, तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे जो हमारा पावर होगा, यही तो बताया था।
so that will be minus 5 upon 4 to the power 8 plus 2 plus 4. Now that is minus 5 upon 4 to the power 8 to 10 plus 4, 14. Bas exponential form mein likhna tha, so that is our answer. Okay? अब अगला है डिवीजन है वो, ठीक है, बी में डिवीजन है वो भी देख लो। थर्ड क्वेश्चन में डिवीजन और एडिशन दोनों है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों है, तो मैं सी बता देता हूँ। सी में देखो क्या है, 3 टू द पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर माइनस 10 मल्टीप्लाइड विथ 3 टू द पावर माइनस 5। ओके, तो यहां पर ये हो जाएगा 3 टू द पावर माइनस 7 माइनस ऑफ माइनस 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बट यहां पर नेगेटिव साइन पहले से था तो वो ब्रैकेट में चला गया। अब यहां पर इनटू आ जाएगा 3 टू द पावर माइनस 5 एंड दिस विल बिकम माइनस 7 प्लस 10 इनटू 3 टू द पावर माइनस 5, सो दिस इज 10 प्लस माइनस 7 प्लस 10 दैट इज 3 to the power plus 3 into 3 to the power minus 5. Now this is, अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो गया, अभी क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा प्लस ऑफ माइनस 5, बट यहाँ पर प्लस और माइनस आया तो 3 माइनस 5 हो जाएगा, दैट इज 3 टू द पावर माइनस 2. ओके, दिस इज आवर आंसर। एक्स्ट्रे पावर लिख सकते हो, 1 अपॉन 3 टू द पावर 2 लिख सकते हो, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड वन देखो, ये फर्स्ट वन, देखो सेकेंड में क्या है, 3 टू द पावर माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर माइनस 1 टू द पावर होल पावर 3। सिंप्लीफाई करना है, फर्स्ट वन है पी पावर माइनस 1 प्लस 2 पावर माइनस 1 टू द पावर 3। नाउ 3 टू द पावर माइनस 1 मींस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2 टू द पावर 3। ओके, यहां पर ऐड करना पड़ेगा, एडिशन का रूल पता है, हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, तो 3 और 2 का एलसीएम होगा 6, यहां पर 2 प्लस 3 टू द पावर 3। एलसीएम लेना नहीं आता है तो देखो यहां पर एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, क्योंकि एलसीएम लेने में भी गलतियां की है बच्चों ने, क्लास 8 के बच्चों ने, तो यहां पर 6 एलसीएम आया, मतलब हमें दोनों का डिनोमिनेटर क्या करना है, 6 करना है। अब 6 करने के लिए 1 अपॉन 3, तो 6 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा ना, तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट विल बिकम 2 अपॉन 6। उसी तरह 1 अपॉन 2 जब है तो 1 अपॉन 2 इनटू 3 इनटू 3 दिस विल बिकम 3 अपॉन 6। अब हमारा डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गया, सो दिस इज 2 बाय 6 प्लस 3 अपॉन 6, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 अपॉन 6 दैट इज 5 अपॉन 6। यहां पर क्या आ गया, 5 अपॉन 6 टू द पावर 3। ठीक है, अब 5 अपॉन 6 टू द पावर 3 आ गया, तो हमें इसको सॉल्व करना है फर्दर, क्या हो जाएगा, पावर 3 है तो 5 बाय 6 इंटू 5 बाय 6 इंटू 5 बाय 6, 5 का 5 में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 125, एंड 6 का 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 216। ओके, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से आपको सेकंड क्वेश्चन भी कर लेना है, उसमें तो डायरेक्टली है मल्टीप्लिकेशन है, माइनस 5 प्लस माइनस 5 तो हो जाएगा माइनस 5 टू द पावर 10 हो जाएगा, तो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, बट माइनस में है याद रखना। चलो बता देता हूँ, अदरवाइज गलत कर दोगे। जैसे देखो हिंट दे देता हूं, क्या करना, 2 बाय 3 टू द पावर माइनस 5 इंटू 2 बाय 3 टू
टू द पावर माइनस फाइव है। अब ये बात मैंने कल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो मैं जो वीडियो गई होगी उसमें बताया था क्या कि यहाँ पर ये पावर में अगर माइनस है तो इसको अगर हम इनवर्स कर दें 3/2 टू द पावर 5 कर दें इंटू 3/2 टू द पावर 5 कर दें तो क्या हो जाएगा, अगर इनवर्स करें तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा 3/2 टू द पावर 5+5। अब इसको सॉल्व करो क्या, ओके। थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ वाला क्वेश्चन है तो उसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा भाई क्वेश्चन। तो देखो क्या करना है, फोर्थ में सॉरी थर्ड में वैल्यू निकालना है -8/16 टू द पावर -1 इंटू 16/5 टू द पावर -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4/5 टू द पावर -1, ओके। अब यहां पर क्या होगा देखो, सबसे पहले तो इनवर्स है, हर जगह इनवर्स है ना, क्या करें 16/-1 साइन को रहने देते हैं, ये हो जाएगा पावर 1, ठीक है, पावर 1 को लिखने की जरूरत नहीं, फिर ये हो जाएगा 5/16 टू द पावर 1, पावर 1 नहीं लिखेंगे तब भी ठीक है, और यहाँ पर ये है डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 5/4 टू द पावर 1। अब तो शायद कर ही ले जाओगे, यहाँ पर 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा है ना, तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ बचा -5/3 और डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये हो जाएगा 4/5, ना 5 से 5 कैंसिल, 4 से 8 कैंसिल, ये हो जाएगा -1/2, ठीक है। ये क्वेश्चन हुआ थर्ड, और अब देखो फोर्थ देखना, इसके बाद फोर्थ में इवेल्युएट करना है, मैंने फोर्थ में कुछ बताया था कि अगर पावर में 0 होता है तो क्या होता है, पावर में 0 होता है तो वैल्यू कहाँ जाती है, वैल्यू 1 हो जाती है ना, तो फोर्थ देख लो, फोर्थ का इक्वेशन दैट इज 2/3 टू द पावर 0 प्लस 3/4 टू द पावर 0 प्लस 4/5 टू द पावर 0, ओके। अब यहां पर मैंने क्या बताया था कि अगर किसी भी नंबर के पावर में 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ओके, सो 2/3 1 हो जाएगा, यहाँ पर ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, दैट इज 3, ये इज योर आंसर। अब फिफ्थ क्वेश्चन देख लो, फाइंड m सो दैट -3 टू द पावर m प्लस 1, फिफ्थ क्वेश्चन है बता दूंगा, -3 टू द पावर m प्लस 1 इंटू -3 टू द पावर 5 इज इक्वल टू दिया हुआ है -3 टू द पावर 7। अब यहां पर देखो ये जो है, ठीक है, m प्लस 1 और ये 5 और ये 7, ये सब तो एक्सपोनेंट्स हो गए, बट यहाँ का बेस जो है -3, दैट इज सेम, ठीक है, टू ऑफ सेम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसको जब सॉल्व करेंगे तो -3 टू द पावर ऐड हो जाएगा m प्लस 1 प्लस 5 इक्वल टू -3 टू द पावर 7 आ जाएगा यहाँ, फिर -3 टू द पावर m प्लस 6 और यहाँ पर -3 टू द पावर 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर बेसिस सेम है, ठीक है, जब बेसिस सेम होते हैं तो हम पावर्स को इक्वल कर सकते हैं, सिंस बेस ऑन बोथ साइड सेम
जब बेस सेम है तो पावर क्योंकि इक्वल है ना, मतलब के इसके इक्वल होगा तो पावर हमारा इक्विवेलेंट हो जाएगा. देयरफॉर m plus 6 will be equal to 7. Therefore, value of m will be 7 minus 6, that is 1. So, value of m is 1. This is your answer. Clear है? तो up to question number 5 हमारा हो चुका है और जो बचे हुए question है, we'll discuss it in our next video. Okay? So, till then, take care of yourself and be safe at your home. Keep studying. Thank you so much.